आईपीएल 2019 जहां अपने शानदार मैचेस के लिए जाना जाएगा, वहीं मैदान पर कटे बवालों के लिए भी। चलिए कुछ और बताने से पहले गुरुवार को हुए मैच का मोटा मोटा हिसाब दे देते हैं। आईपीएल 2019 का 25वां मैच 11 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। जवाब में उतरी चेन्नई की टीम स्कोर का पीछा करते हुए आखिरी गेंद तक गई और मैच जीत लिया। हालांकि कल के मैच में ऐसा बहुत कुछ घटा जिसने दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे कैप्टन कूल की। जी हाँ, अपने कूल अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी कल अंपायर पे बहुत गर्म हो गए, इतना कि वो मैदान में ही चले आए। दरअसल हुआ यूं कि मैच का आखिरी ओवर था और 18 रन चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए थे। क्रीज पर धोनी और जडेजा खड़े थे, बॉल बेन स्टोक्स के हाथ में थी और जडेजा ने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। मजेदार ये था कि शॉट खेलने के दौरान जडेजा खुद को संभाल नहीं पाए और गिर पड़े। फिर अगली गेंद नो थी और उस पर एक सिंगल आया। दूसरी बॉल पर धोनी ने 2 रन लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर धोनी आउट हो गए। उन्हें स्टोक्स ने बोल्ड किया। धोनी के बाद बैटिंग करने आए मिशेल सैंटनर। बस सारा बवाल इसी अगली गेंद पर हुआ। स्टोक्स ने सैंटनर को यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस फेंक दी और वो हाइट में कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई। अंपायर उलास गांधे ने नो बॉल के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन फिर अंपायर ने लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सडेन फोर्ड की ओर देखा। ब्रूस ने कोई भी इशारा नहीं किया। ऐसे में उलास गांधे ने चेन्नई को नो बॉल देने से इनकार कर दिया। बस इतना होना था कि धोनी बाउंड्री लाइन से खड़े होकर चिल्लाते हुए दिखाई दिए। जब वहां से धोनी की नहीं सुनी गई तो उन्होंने मैदान के अंदर आकर अंपायर से अपनी नाराजगी जताई। हालांकि अंपायर ने उनको इसके पीछे का तकनीकी कारण बताया। दरअसल हाइट की नो बॉल देने का अधिकार सिर्फ लेग अंपायर को होता है। फिर क्या, धोनी भी थोड़ी बहुत बहस करके चले गए और सजा के तौर पर उनकी मैच की आधी फीस भी चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।